बॉलीवुड के सबसे प्रशंसित अभिनेताओं में से एक, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल, असली नाम विजय सिंह देओल, एक भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने 1995 में फिल्म बरसात से अपनी शुरुआत की थी। बरसात में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले बॉबी ने बादल, गुप्त, जुर्म, बिच्छू और अजनबी जैसी कई थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। 1997 में रिलीज हुई गुप्त साल की सबसे सफल रिलीज में से एक बन गई। 2003 में उन्हें फिल्म हमराज में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल भी थे। बाद के वर्षों में बॉबी ने बर्दाश्त, दोस्ती, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चमकू और यमला, पगला दीवाना सहित कई फिल्मों से मध्यम सफलता हासिल की। उन्होंने 2007 की फिल्म अपने में अपने पिता धर्मेंद्र और भाई सनी के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 2017 में उन्होंने श्रेयस तलपड़े के निर्देशन में बनी पहली फिल्म पोस्टर बॉयज में अभिनय किया, जो इसी शीर्षक वाली मराठी फिल्म का रीमेक है। उनकी 2018 रिलीज में रेस 3 और यमला पगला दीवाना फिर से शामिल है। 2019 में उन्होंने हाउसफुल 4 में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद वह फिल्म क्लास ऑन्फ 83, 2000B और वेब सीरीज आश्रम 2000D के साथ OTT प्लेटफार्मों पर चले गए। उनकी अन्य रिलीज में लव हॉस्टल 2022 शामिल है। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट एनिमल 2023 में अभिनय किया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।